के बाद सेकंड नंबर पर पाकिस्तान आता है। पाकिस्तान के हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं और इंडिया का जीरो रिसेशन है। आजकल जो है आपने देखा है कि रिसेशन के ऊपर बहुत ज्यादा बातचीत चल रही है और पूरा पूरा वर्ल्ड ही आजकल मेरे ख्याल इस बारे में बात कर रहा है। कल ये एक सर्वे भी आया था, इस पे भी मैं काफी टीवी पे वगैरह पे था, तो ये भाई इंडिया में रिसेशन आने का चांस 0% है। हमारे पास जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है $588 बिलियन है, व्हिच इज थर्ड हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। दूसरी कंट्रीज के साथ वो इंडियन रुपीस के अंदर करना शुरू कर दी उन्होंने, तो ये भी एक वजह है कि उनकी इकॉनमी अच्छी है। चाइनीज करेंसी जो है वो भी डॉलर के मुकाबले में डिवैल्यू हुई है, लेकिन लेकिन रेटिंग एजेंसीज ये कह रही है कि पाकिस्तान की सियासी सूरत-ए-हाल की वजह से इनकी। लेकिन नहीं, पाकिस्तान में दो चीजें खतरनाक है। नंबर वन, हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर नहीं। तो दोस्तों आपने ये छोटा सा क्लिप देखा, आप समझ गए होंगे, एक ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट आई है जिसमें बोला गया है कि दुनिया के सारे देशों में रिसेशन आ जाएगा, लेकिन इंडिया एक ऐसी कंट्री है, मतलब सारे का मतलब जो बड़ी कंट्री की बात कर रहा हूँ, छोटी बड़ी कंट्री है, उसमें इंडिया में 0% चांसेस है। मतलब ये अपने आप में ये खबर ही मतलब ऐसी खबर है कि आग लगाने वाली खबर है। सबसे ज्यादा चांसेस श्रीलंका के हैं, पाकिस्तान के हैं, यूएस के भी हैं, जापान, न्यूजीलैंड, मतलब ये न्यूजीलैंड जैसी कंट्री, न्यूजीलैंड 45 से 50 लाख की आबादी, सोचें आप, तो समझ सकते हो यार क्या सीन है यार। हालांकि आपको बता दूं कि जो मंदी है, जो रिसेशन है, उसका कोई फॉर्मूला नहीं है कि ये कैसे आती है, कैसे कैलकुलेट की जाती है। जो भी लोग समझते हैं इस टॉपिक के बारे में वो समझेंगे। मैं बताऊंगा कि अगर यूएस में मंदी आई तो इंडिया पे बहुत बुरा इफेक्ट पड़ेगा, कैसे, वीडियो के लास्ट में। पहले ये पूरा वीडियो देखते हैं, फिर वीडियो के लास्ट में करते हैं डिटेल में बात। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब। देखा है कि रिसेशन के ऊपर बहुत ज्यादा बातचीत चल रही है और पूरा पूरा वर्ल्ड ही आजकल मेरे ख्याल इस बारे में बात कर रहा है। आप किस तरह से देखते हैं इसको? देखिए आरजू जी, दो तीन ही आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा। कल ये एक सर्वे भी आया था, इस पे भी मैं काफी टीवी पे वगैरह पे था, तो ये भाई इंडिया में रिसेशन आने का चांस 0% है। तो अब हमारे अपोजिशन वाले कहते हैं भाई ये कैसे, ये सर्वे गलत है। देखिए अपोजिशन, देखिए अपोजिशन तो यार सिर्फ अपोज करती है ना, उनको मतलब नहीं है सच क्या झूठ क्या, करे ये सर्वे गलत। अगर आज एक सर्वे आ जाए वो बोले इंडिया में रिसेशन आएगा, बोले देखो वो लल्लू लाल एंड कंपनी इंग्लैंड ने ये सर्वे छापा, अब तुम्हारे यहाँ रिसेशन आएगा। अब फिर मैं आपको चलिए कुछ फैक्ट्स, जीरो कैसे सर, जीरो कैसे? मैं बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, मैं आपको कुछ फैक्ट्स दे देता हूँ। ये थोड़ा थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा, दो तीन मिनट में मैं प्रिसाइसली इसको कंप्रेस करके समझाने की कोशिश करूंगा। अभी आरजू जी, सबसे पहले हमारे पास जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है $588 बिलियन है, विच इज थर्ड हाइएस्ट इन द वर्ल्ड, ठीक है जी। दूसरी बात, अभी जो हमारा इन्फ्लेशन देखेंगे 7% के आसपास है। अभी यूएस में इन्फ्लेशन का डाटा रिलीज हुआ था 9.1%, हाईएस्ट इन 41 इयर्स, 41 साल में वो सबसे हाईएस्ट इन्फ्लेशन है यूएस में। उनके बैंकों ने 1% इंटरेस्ट बढ़ाया, मतलब वहां ऑलमोस्ट इंटरेस्ट डबल हो गया, वहां इंटरेस्ट बहुत कम होता है। 1% इंटरेस्ट बढ़ाने का मतलब है मतलब तूफान आ गया वहां पे। कनाडा में 1% इंटरेस्ट बढ़ा, अच्छा तब मैंने देखा था न्यूजीलैंड में 0.5% इंटरेस्ट बढ़ा, तो कल मुझे समझ नहीं था न्यूजीलैंड वालों ने क्यों बढ़ाया, अब समझ आया कि न्यूजीलैंड वालों ने क्यों बढ़ाया, हमारे यहाँ कोई इंटरेस्ट रेट में चेंज। अगर आप देखेंगे हमारा इन्फ्लेशन ओवरऑल एशियन एवरेज, आप पाकिस्तान की बात करें तो 27-34% का इन्फ्लेशन है, हमारा इन्फ्लेशन अभी एशियन एवरेज से कम है। अब मैं इकोनॉमिक आउटलुक की बात करता हूँ, हमारा जीडीपी का ग्रोथ 8.5% है। अब आते हैं आरजू जी यूरोपियन यूनियन पे, और अगर आपको याद होगा मैंने शायद 2-3 महीने पहले आपके शो पे प्रेडिक्ट किया था चैनल्स में, मैंने कहा एक क्वार्टर में अगर एशियन यूक्रेनी लड़ाई नहीं रुकती यूरोप में रिसेशन आएगा, यूरोप में रिसेशन की बातें हो रही है, मैं प्रेडिक्ट कर चुका हूं महीने पहले आपको, और मैंने तब आपको बताया था यूरोप का आउटलुक जो है 2.5% के आसपास आएगा, यूरोप का इकोनॉमिक आउटलुक 2.6% आएगा, अब 2.3 की कोई बातें कर रहा है, 2.6-2.3, अगले साल 1.3%। जर्मनी में द कॉस्ट ऑफ एनर्जी विल गो 3 times नेक्स्ट ईयर, रशिया गैस पाइपलाइन बंद कर चुका है, ये रही यूरोप की बात। अब आते हैं यूएस में, यूएस में अभी जो है ये करीब 2.3% अभी जीडीपी ग्रोथ, नेक्स्ट ईयर 1.3-1.6%, चाइना 3.6%, अगले साल का आंकड़ा ही नहीं है, अब भी 80 करोड़ लोग कोविड के नाम पे बंद है, हमारा 8.5%, अगले साल 6.5-7.5%, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की बात होगी, इन्फ्लेशन की बात होगी, अब आप इन्फ्लेशन पाकिस्तान से कंपेयर करिए, टर्की में करीब 43% है, 73% तक पहुंच गई थी इन्फ्लेशन, यूरोपियन मार्केट्स में भी ऑल टाइम हाई है अभी करीब 6-7% है। अगर आप करेंसी डिवेल्युएशन की बात करें, पूरे टाइम पिछले टाइम एशिया में हर करेंसी 8.5-9% नीचे गई है, इंडियन रुपीज और एक करेंसी जो करीब 7% डॉलर के अगेंस्ट नीचे गई, पहली बात नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट हमारा 6-7% के आसपास है,
इन्फ्लेशन कंट्रोल्ड है, फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल्ड है, इकोनॉमिक आउटलुक की बात की मैंने, और यहाँ मैं एक और इम्पोर्टेंट चीज लाना चाहूंगा कि जो मेन चीज आती है ये हो क्यों रहा है, दो चीजें होती है, फूड ऑन फ्यूअल, कॉस्ट ऑफ लिविंग डिपेंड्स ऑन दैट. हमारा फूड वर्ल्ड ओवर टूडे इज एक्सपेंसिव बाई 42% एंड फ्यूअल इज एक्सपेंसिव बाई 55%. फूड और फ्यूअल. अब आप फूड की बात करें, हमारे पास इतना खाना है, इतना वीट है कि हम पूरे दुनिया को खिला सकते हैं, अपने लिए तो 2-5 साल का है. हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इतना आरजू जी, अगर 10 से 12 महीने एक नया पैसा नहीं आएगा तब भी हम सर्वाइव कर लेंगे. एक नया पैसा नहीं आएगा जो संभव नहीं है. हमारे एक्सपोर्ट्स ऑल टाइम हाथ में 60-60 FDI यहाँ आया लास्ट ईयर में $83 billion विच इज हाईएस्ट इन द वर्ल्ड. स्टार्टअप्स को मिला $36 billion विच इज हाईएस्ट इन द वर्ल्ड. स्टार्टअप 1600 से 72,000 हो गए, 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न हो गए, 3 डेकाकॉर्न हो गए और 10 इन मेकिंग. ये मैं आपको एक बड़ी इकोनॉमिक आउटलुक की बात कर रहा हूँ. अब रही फ्यूअल की बात, हमने जो रशिया से तेल लिया, हमने $1 में $30 to $35 बचाए एक बैरल में, और दैट हैज सेव्ड अस बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ रुपीस. और इस सब ने हमने एक मास्टर स्ट्रोक चला जहां जिसमें दुनिया की बहुत नजर नहीं गई, दुनिया वालों ने देखा नहीं उसको. वो मास्टर स्ट्रोक ये था अर्जुन जी कि हमने रुपी ट्रेडिंग शुरू कर दी. अभी 18 से 24 कंट्रियों में रुपी एज अ करेंसी चलती है. हमने चुपचाप बिना कुछ हौल हंगामा किए रुपी की ट्रेडिंग शुरू कर ली. रुपी की ट्रेडिंग का मतलब अब हम रशिया को रुपयों में पैसा दे सकते हैं, कतर में रुपी चल रहा है, UAE में रुपी चल रहा है, श्रीलंका को अगर क्रेडिट लाइन देनी है डॉलर में लेने की जरूरत नहीं है, रुपयों में ले सकते. ईरान से अगर तेल खरीदना अब डॉलर की जरूरत नहीं है, अब हम रुपयों में तेल खरीद सकते हैं ईरान से. तो ये जो रुपी ट्रेडिंग हमने कर ली, इससे हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बचता है. हमें हर जगह फॉरेन एक्सचेंज की जरूरत नहीं. धीरे धीरे एक रुपी को हमने इंटरनेशनल करेंसी बनाया. इंडियन रुपी इज अ ग्लोबल करेंसी जो चाइनीज युआन जिंदगी भर नहीं कर पाया, हमने वो गेम 2 महीने में करके दिखा दी. ये सब भी चलता रहा. हमने रफेल भी खरीदा, आखिरी रफेल भी आ गया. हम चिनूक अपाची भी खरीद रहे हैं, चाइना को भी जवाब दे रहे हैं, और चाइना के बैंकों में रूलर ATM में पैसा नहीं है, वहाँ रूलर लोग जनता को पैसा नहीं मिल रहा. ये आपने देखा होगा, हमारे यहाँ ऐसी लिक्विडिटी की कोई प्रॉब्लम नहीं. दिस इज हाउ द सर्वे सेज देयर इज 0% चांस ऑफ रिसेशन इन इंडिया. एक तरह से तो दोस्तों जैसा कि आपने ये वीडियो देखा, ये कोई ब्लूमबर्ग कोई इंडिया की कोई एजेंसी नहीं है, ये बाहर की है जो कि रेटिंग देती है, तो उस हिसाब से ये रेटिंग है. हालांकि भारत में इस रेटिंग को भी ये बोल दिया जाएगा कि ये तो मोदी से मिले हुए हैं. आपको भी पता है ऐसी कई रेटिंग आई जिसमें ऐसा बोला गया. हालांकि ये सब डिपेंड करता है कि कैसी आपकी ग्रोथ रही, नेगेटिव ग्रोथ, पॉजिटिव ग्रोथ, और किस तरीके से आपकी लगातार GDP है उस पर डिपेंड करता है. और भारत कैसे दूसरे देशों से जो परचेसिंग पावर है वो डॉलर कितने खर्च कर रहा है, तो आपको पता है कि हम रशिया के साथ कैसे ट्रेड कर रहे हैं विदाउट डॉलर, ईरान के साथ कैसे ट्रेड कर रहे हैं विदाउट डॉलर. सो बड़ा ही दिमाग लगा के ऐसी चीज़ करी गई है कि फॉरेन जो हमारे पास पड़ा है फॉरेन रिजर्व, उस पर भी मतलब ज़्यादा लोड ना पड़े. हालांकि लोड पड़ेगा, पेट्रोल डीजल के अलावा भी हम बहुत सारी चीज़ें बाहर से खरीदते हैं. ऐसा तो है नहीं कि बाकी चीज़ हम सब खुद ही इंडिया में होती हैं, ऐसा नहीं है. लेकिन फिर भी अब बात करते हैं कि यार अमेरिका में बोला जा रहा है कि 20-40% चांसेस हैं रिसेशन आने के. तो भैया अमेरिका में रिसेशन आया तो डेफिनेटली इंडिया पे इम्पैक्ट पड़ेगा यार. आप समझ सकते हो भारत का जो IT एक्सपोर्ट है टोटली ज़्यादातर बड़ी बड़ी कंपनियाँ US पर काफ़ी डिपेंडेंट है, और अगर वहाँ पर आया तो वहाँ पर यहाँ पर जॉब बहुत सारे लोगों की जाएगी, ऑब्वियसली फिर क्यों मतलब पैसा फंसाएंगे लोग, तो इम्पैक्ट पड़ेगा. तो ऐसा है कि अमेरिका में रिसेशन ना आए, इस बारे में चाइना और पाकिस्तान दोनों साथ साथ हैं. मतलब चाइना में भी उतना ही परसेंट है, 40% चाइना में भी 40% है और पाकिस्तान में भी 40% है. मतलब 20 या 40 ऐसा कुछ है, मुझे एक्चुअल नंबर याद नहीं है, लेकिन दोनों का सेम है. तो आप समझ सकते हो ये कहलाती है हिमालय से ऊंची और समुंदर से गहरी दोस्ती. इंडिया और US का बिल्कुल सीन अलग है. इंडिया में 0 तो अमेरिका में चांस ज़्यादा है. तो उम्मीद करते हैं कि अमेरिका में भी रिसेशन ना आए, क्योंकि हमारा IT एक्सपोर्ट गल्फ कंट्रीज़ के ऑयल एक्सपोर्ट से भी ज़्यादा है, ये आपको पता होगा. तो ऐसा हो तो बहुत अच्छा है. आपको क्या लगता है?